जहन दोस्तों, वारो P3 इंप्लीमेंट हो गई है और अधिकारी बहुत खुश हैं। अपने अपने वीडियो जाकर के वो MOD की DSW साइट पर अपलोड कर रहे हैं। ये जनरल साहब है, उन्होंने कहा है वारो पी से हमारा जीवन बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है, लाखों की पेंशन है और आप वेल सेटल हो, बच्चे सेटल हैं, होगा। उनको पूछो जिनके लिए ये वारोपी थी, यानी जल्दी रिटायरमेंट लेके आ जाते थे, उनके बच्चे छोटे हैं, तमाम इस प्रकार की समस्याएं और समस्या इस स्पर्श ने और खड़ी कर दी है विसंगति ला करके। कुछ तो सरकार नहीं दे रही और कुछ सरकार दे रही, तो ये PCDA बैठा है कुंडली मार के, जो हमारी बाट पे बाट लगाया जा रहा है। एक तो हमें जो टेबल नंबर 7 में पहले जो बनाई है दिया है उसके अब अनुरूप नहीं दे रहा है। लेकिन इसी के बीच एक खुशखबरी और चेतावनी है। खुशखबरी ये है कि एक बहुत बड़ा मामला है जिसके ऊपर मामला ऊपर तक पहुंच गया है और उस मामले के बारे में बात करेंगे और जो भी JCO NCO में उनसे बात करूंगा। यदि आपको लग रहा है कि हमारी पेंशन में गड़बड़ी है, हमारे एरियर में गड़बड़ी है, तो पहले इस बात को सुनिश्चित करें कि हाँ आपकी पेंशन गलत आ रही है और उसको 3 माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट डाल सकते हो। मैं उन 3 माध्यम का बात करूंगा क्योंकि अभी शिकायतों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री का मंत्रालय बहुत ज्यादा सीरियस है, अलग अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो लोग खुद कॉल करके आ रहे हैं। पारी में देश की रक्षा के लिए लगा दी जान की बाजी, माँ भारती की सेवा के लिए जिन्होंने कर दिया अपना जीवन समर्पित, उनकी दूसरी पारी भी उतनी ही गौरवपूर्ण हो। कृतज्ञ राष्ट्र और रक्षा मंत्रालय है उनके कल्याण के लिए वचनबद्ध। इस रविवार रक्षा सूत्र के अगले एपिसोड 2nd इनिंग्स में जानिए कैसे रक्षा मंत्रालय वीर पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, कौशल विकास और कल्याणकारी योजनाओं से उनके उत्थान के लिए उठा रहा महत्वपूर्ण कदम। DIAV के लोग खुद कॉल करके आ रहे हैं, विडो पेंशन से कंफर्मेशन ले रहे हैं कि उनके पास डाटा है कि आपकी पेंशन सही आ रही है। CP ग्राम आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आपने यदि कंप्लेंट डाली तो आप सेटिस्फाइड हो। इस स्पर्श में उधर लगाए कि आप अलग अलग सेमिनार लगाइए, उनकी पे पेंशन को दुरुस्त करिए। तो ये जो समय है यहाँ पर चाबी लगी है कहीं ना कहीं, तो अब आपको क्या करना है जरा ये सोचते हैं। सबसे पहले मैं सर्कुलर 625 का जिक्र आज करना चाहूंगा। यदि किसी की पेंशन है, यदि एयरफोर्स के अंदर ऑनरी लेफ्टिनेंट है या एयरफोर्स का हवलदार है या एयरफोर्स का कोई रैंक है, तो ऐसा नहीं हो सकता उस रैंक की सर्विस और उसकी लेंथ ऑफ सर्विस और रैंक बराबर है तो आर्मी वाले को कम कर दो या नेवी वाले को कम कर दो। ऐसा ही सर्कुलर 625 कह रहा है। और जो उन्होंने जो 19 को निकला है, 1 rank 1 पेंशन वारोपी इज द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल, उन्होंने रेफरेंस MOD लेटर नंबर 3 February 2016 सर्कुलर नंबर 555 को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी PDA आर अवेयर दैट एज पर द ऑफिस सर्कुलर 555 सो एंड सो पेंशन ऑफ आर्मर्ड पर्सनल वाज नॉट बी रिवाइज विथ वेक फ्रॉम 1/7/2014 द PDA एज पर द टेबल अटैच्ड एज अंडर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट मेंशन अपेंडिक्स एज सर्कुलर 555 डेटेड सो एंड सो ऑनरी फ्लाइंग अफसर ऑफ एयर फोर्स मे बी रीड 21 to 33 years with effect from 30/5/98 till date. The circular has been uploaded off his website. अब कह रहे हैं कि यदि उसकी सर्विस 21 से 33 मानी जाए ऑनरी फ्लाइंग अफसर की, तो सुबेदार मेजर जो 33 साल सर्विस करके जा रहा है उसकी 30 साल क्यों कम कर रहे हैं? ये किस प्रकार का लॉजिक है जो इस जगह आपने क्वेश्चन मार्क बना दिया? और ऐसे हजारों केसेस हैं। अब हजारों केस किस प्रकार के? यदि वो बंदा सुबेदार मेजर था, एक्स ग्रुप का ही था, अब उसको ऑनरी आप लेफ्टिनेंट ऑनरी फ्लाइंग अफसर या ऑनरी आप नेवी में दे रहे हो, अब उसकी पेंशन कम हो रही है क्योंकि आपने एक्स ग्रुप के SM की ऑनरी लेफ्टिनेंट की ऑनरी कैप्टन की 40,300 पे खड़ा कर दिया। अब आपने TOE जब लगाया, जो आपका नियम है, उसमें से जाकर के एक सुबेदार मेजर एक्स ग्रुप का ऑनरी लेफ्टिनेंट है, उसकी पेंशन कम हो रही है। यदि वो कह रहा है कि भाई हमें लेफ्टिनेंट नहीं चाहिए, हमें सुबेदार मेजर की तो दे दो जो मेरा पहले का रैंक था, मुझे हायर रैंक किया, पेंशन कम की, तो ये सारा मामला उलझन आ गया। और जब मेरी सीधी बात हुई उनका, ये मामला हाई लेवल पर पहुंच गया, इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। और 625 का हवाला दिया है कि आप एक की संशोधित कर सकते हो तो दूसरे की क्या बात है? आप बात करते हो 3 सेनाओं को सेम रैंक सेम लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से होगा, तो आप ORP को इतना कंफ्यूजन और इतना भ्रमित क्यों कर रहे हो? अब ये सारी बातें क्यों उठी कि भाई ये, अब मैं कह रहा हूं कि टेबल नंबर 7 आपके लिए जो लागू है, आपका MSCP रैंक के हिसाब से
या आपका फिजिकल रैंक के हिसाब से आपकी इतनी पेंशन बनती है, तो आपको मिल रही है, कोरिडम पीपीओ इश्यू हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके अंदर उन्होंने कम्यूटेशन काटा है तो फिर प्रॉब्लम है। ये तो आपके आपको लग रहा है कि टेबल नंबर 7 में राउंड ऑफ करते समय मेरी पेंशन कम है तो प्रॉब्लम है, यदि आप फैमिली पेंशन हो आपकी पेंशन कम आई है तो प्रॉब्लम है, तो फिर करना क्या है, करना क्या है। जैसे कि मैंने आपको DIAB का एक लेटर दिखाया जिसमें सारे नंबर और सारी चीज़ों का मैंने आपके सामने हवाला दिया कि आप इस तरीके से जा करके इस साइट पे जा करके अपनी समस्या DIAB पे आप सीधा फोन कर सकते हो, जो कि मैं चार्ट पे दिखाया और परसों और मैंने आपके सामने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि आराम से आप इसको बोर्ड पे मैंने समझाने की कोशिश किया, यदि किसी को कोई है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो दोस्तों, और CP ग्राम पे जा सकते हो और स्पर्श पे जा सकते हो। अब DIAB पे आप जाने का सीधा सीधा है, आपको उनकी आप फोन करिए, व्हाट्सएप पे आप मैसेज करिए और मेल एड्रेस है कि सारी आपकी समस्या ये है, फिर आप CP ग्राम पे रजिस्टर करके अपनी पूरा कंप्लेन प्रॉपर अपेंडिक्स के साथ करिए, उसके बाद आपका वो जवाब रिटर्न में देंगे जैसा कि हमारे पास जवाब दिया है, फिर जवाब देने के बाद आपसे सर्टिफिकेशन लेवल पूछेंगे, बोला बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो वो क्या करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट को आपके रिकॉर्ड PORPCDA से वेरीफाई करेंगे, फिर आपको वो जवाब आपसे लेंगे दोस्तों, फिर आप इस PCDA स्पर्श का मामला वहाँ पे कंप्लेंट करिए, चूकिए मत, जब इन सारों से हम थक जाएंगे, हमें जब न्याय नहीं मिलेगा और हमें समझ लग रहा है गलत है, तो फिर हम AFT में जाएंगे, माननीय हाई कोर्ट में जाएंगे, लेकिन जो गलत है उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने एक दूसरे को शेयर करना है, क्योंकि लगातार आप CP ग्राम के आप लेटर देख सकते हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या आदेश है, पोर्टल पर केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों की शिकायतों को संवेदनशील सुलभ सार्थक निवारण के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, DIAB के लिए बोला है कि आप एक वहां के कर्नल ब्रिगेडियर साहब वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी की फैमिली पेंशन की प्रॉब्लम है या दूसरी प्रॉब्लम है तो हमसे संपर्क करें, वो कॉल करके खुद आते हैं, आप एक बार कॉल करो, तो अभी जो चल रहा है इसका आप फायदा उठाएं, क्योंकि आपको एक दूसरे के साथ शेयर करें। धन्यवाद। And in fact, I always use the cliche that we have a great sense of exaltation, primarily because each one of us in the armed forces feel that the one rank, one pension has really been a big boon. I think right from the bottom, that is on the grassroots level, every jawan, that is of the Indian Army, every sailor from the Indian Navy, and every air warrior, that is from the Indian Air Force, has benefited exponentially. Now, when I say that, it translates actually into as to how much of nickel comes into his coffin, you know, into his piggy bank, which he can save, which he'll be able to sustain a very dignified livelihood. Now, this has affected all the lives of millions of ex-servicemen and all pensioners. The government has been able to live up to the promise. Each one of us, I think, should convey a sense of gratitude in plenitude to the government of India for having got this thing implemented. And I can say without any competition at any point of time that when all these fine measures are implemented, that is so as to ensure that it touches the life of every man, woman and child in the armed forces, it does make a difference. Each one of us is indebted because we all believe in only one thing, duty, honor, and country.